अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली। और जैसा कि मैं आपसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 15 सितंबर को एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें हमारी एक्टिंग वर्कशॉप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये वीडियो रिकॉर्ड 15 को ही हुई है और लेकिन मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगी 16 सितंबर को। मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में की थी और कुछ और नई इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इतने आपके जो मैसेजेस आते हैं उनमें आप एक ही बात पूछते हैं और वो बात वही होती है जो मैं उस वीडियो में कर चुका होता हूँ, लेकिन आप पता नहीं वो ध्यान से देखते नहीं हैं या आपको समझ नहीं आती या क्या रीज़न होती है कि आप वही सवाल करते रहते हैं कि कब हो रही है एक्टिंग वर्कशॉप, कहाँ होगी, फॉर्म्स कैसे मिलेंगे, फॉर्म सबमिट कहाँ होंगे, मैं मैं मुल्क से बाहर हूँ तो क्या मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूँ। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आप ये गौर से सुने कि 20 सितंबर को दो जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मेरे, आबिद अली फिल्म्स जो कि एक फेसबुक पे है जो मैं लास्ट वीडियो में उसका सारा आपको लिखा हुआ स्क्रीन पे आ रहा था वो आप सारा पढ़ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके एंड पे मैंने भी पिक्चर भी शेयर की है, उन अकाउंट्स की स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि आप कोई गलत अकाउंट ना फॉलो कर लें मेरा समझते हुए कि आबिद अली का है, तो इसलिए मैंने वो पिक्चर्स भी शेयर किए। वो दो सोशल मीडिया हैंडल्स पे इंफॉर्मेशन आ रही होगी, जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो मैं शेयर करूँगा 20 सितंबर को। फेसबुक पे है आबिद अली फिल्म्स, इंस्टाग्राम पे है आबिद अली फिल्म्स, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको दिखा दूं, वो आप देख लें कि ये वाले पेजेस हैं। अब ये कि उन फॉर्म्स को कैसे फिल करना है, उस पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनके अगर कोई फॉर्म्स बने हुए हैं या जितने भी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं उनके अगर कोई फॉर्म बने हुए हैं उसी पैटर्न पर बने होंगे। आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, आपकी एज, आपका पासपोर्ट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, दूसरा ये कि क्या आपके इंटरेस्ट हैं, पहले आपने काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप फिल करेंगे और आप उसी के नीचे एक बटन बना होगा सबमिट या सेंड, वो आप सेंड करेंगे वो मुझे मिल जाएगा। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि वो फॉर्म कहाँ जाके जमा करवाने हैं वो फॉर्म। भाई ऑनलाइन फॉर्म का मतलब होता है ऑनलाइन फॉर्म, समझ लो इस बात को कि वो ऑनलाइन ही जमा होता है, उसके नीचे एक वो एक बटन बना होता है, जब आप सारा फिल कर लेंगे आप सेंड कर देंगे वो चला जाएगा एक ईमेल की तरह, वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और ये लाहौर में करवा रहा हूँ, लाहौर में कर रहा हूँ मैं इसको, मैं कि लाहौर में हम ये 3 दिन की वर्कशॉप करें, एक्टिंग वर्कशॉप, जिसमें जो नए आने वाले लोग हैं उनको बताया जाए कि एक्टिंग करियर क्या किस किस्म का है, बेसिक जो एक्टिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है जो 3 दिनों में हो सकता है, जो कि हो नहीं सकता एक्चुअली, ये बहुत बड़ा फील्ड है, तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो इंट्रोडक्शन दिया जाए कि ये इस तरह होता है काम, कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरह करते हैं, आपके पास जब काम आए, आपके पास जब स्क्रिप्ट आए तो आपने क्या करना है, आपने किस तरह उसको रीड करना है, उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो वो आप ज़रा गौर से देखें उन वीडियोस को, उन अगर आपके अंदर वाकई टैलेंट है और गट्स हैं और ये वाली मेहनत का जज्बा है अपने आप को प्रूव करने का, तो वो फिर भाई मेहनत है उसमें, वो मेहनत से होता है, वो किसी की हेल्प से नहीं होता। तो जो सारे कहते हैं ना कि हेल्प कर दें हम, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ हेल्प कर दें एक्टर बनना, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद हेल्प करेंगे, आप प्रिपेयर करें खुद को, आप प्रिपेयर नहीं हैं, जो प्रिपेयर नहीं है वो बेशक टैलेंटेड हो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। टैलेंट के साथ आपने प्रिपेयर होना है, मेहनत करनी है, चीज़ें सीखनी है, वो वीडियोस देखें, ये 9th वीडियो है, इससे पहले 8 वीडियोस हैं जिनके अंदर एक्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बैक टू एक्टिंग वर्कशॉप, कि वो 20 को फॉर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, वो फिल करके आपने वो सेंड कर देते हैं, और चूंकि ये लाहौर में हो रही है और फिजिकली आना पड़ेगा लोगों को, तो ये जो लोग मुल्क से बाहर हैं ज़ाहिर है वो उसको नहीं कर सकते, वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। वो क्या कुछ लोग कह रहे हैं हम ऑनलाइन वीडियो आपको बना के भेज देंगे, किस चीज़ की वीडियो बनाएंगे आप, ये फिज़िकली आप एक क्लासरूम की तरह लोग एक जगह पे प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे उनको एक्टिंग के बारे में बताया जाएगा, ये है, बाद में हम उसको शेयर कर देंगे उसके ऊपर
इसी YouTube चैनल के ऊपर, तो आप देख लीजिएगा कि हमने वो किस तरह की वो की है। अब इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम जानते हैं कि कोरोना है, कोविड जो चल रहा है इस वक्त सिचुएशन, एक तो सब लोग वैक्सीनेटेड होंगे, उसके लिए एलिजिबल वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन जिनकी हुई हुई है। मैं इसकी डेट जो है थोड़ी सी एक्सटेंड करूँगा, क्योंकि वैक्सीनेशन, पहली वैक्सीनेशन से दूसरी जो डोज है उसके बीच में कम से कम 20 से 25 दिन वो देते हैं, तो मैं इतना टाइम आपको दे रहा हूँ। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि मैं अपनी ये वर्कशॉप थोड़ी आगे ले जाऊँगा। फॉर्म्स आपको 20 को अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, वो आप फिल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन वर्कशॉप मैं तब करूँगा और उसमें लिखा होगा आप एलिजिबल ही तब होंगे अगर आप वैक्सीनेटेड हैं कम्प्लीटली। अदरवाइज कोई बंदा जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है और वो अपना वैक्सीनेटेड का जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का वो साथ नहीं लगाएगा, साथ नहीं शेयर करेगा उसकी पिक्चर, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, उसको हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो डेंजर है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने आसपास लोगों के लिए, सबके लिए जिनके बीच में मौजूद है, वो किसी को भी कोरोना फैलाने का सबब बन सकता है। तो हमने लोगों को बुलाना है वहाँ पे एक पॉजिटिव एक्टिविटी करने के लिए, लोगों को मरीज़ बनाने के लिए नहीं करना। तो एक तो यह है कि आपको कुछ दिन में दे दूँगा, जिन लोगों ने नहीं लगवाई हुई वो लगवा लें। ठीक है, तो 20 को फॉर्म फिल करें, लाहौर में 3 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप है। और उसमें अब एक चीज़, एक इशू ये आ रहा है उसके अंदर कि गैदरिंग चूंकि मना है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की गैदरिंग जो है वो मना है, तो उनकी बड़ी लिमिटेड सी उन्होंने दी हुई है कि आप कम लोग हों, ज़्यादा लोग जमा ना करें। तो हम देखेंगे हम कहीं ओपन एयर में कर सकें, हम देखेंगे कहीं खुली जगह पर करें, ताकि हम किसी को भी, किसी की हेल्थ जो है वो इंडेंजर ना करें, और जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं एनसीओसी की तरफ से उनको भी हम फॉलो करें। ये बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है, सिंपल सी बात है। 20 को फॉर्म अवेलेबल होंगे आबिदुल फिल्म्स के ऊपर, फेसबुक आबिदुल फिल्म्स, इंस्टा, उस पर आप जाइएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, सेंड करेंगे, वो मुझे मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद हम एक्टिंग वर्कशॉप की डेट अनाउंस कर देंगे जैसे ये सारे अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, और जैसे हमारे पास वो लोग आ जाते हैं सारे जो कि वैक्सीनेटेड हैं, तो वो फिर हम अपनी नेक्स्ट जो 20-25 दिन होंगे उनके अंदर हम अपनी एक्टिंग वर्कशॉप की डेट रख लेंगे। लाहौर में है, जो लोग बाहर से आएंगे वो देख लें उन्होंने कैसे आना है, और जो मुल्क से बाहर हैं वो ज़ाहिर है कि वो इस वर्कशॉप के लिए तो नहीं आएंगे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, अब जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कोई एक्टिंग की एक्सरसाइज प्लस या कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ शोबिज के बारे में, कोई टर्मिनोलॉजी आपको बताने की, सिखाने की कोशिश करता हूँ। यही एक्टिंग वर्कशॉप में भी होगा, यही एक्टिंग क्लासेस में भी होता है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी, बाहर भी, जो मैंने देखा। तो आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कुछ लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमने मॉडलिंग करनी है, हमें मॉडल बना दें, हमने मॉडलिंग करनी है। वो लोगों को भी यही कहते हैं जाके, वो टैलेंट एजेंसीज में भी यही कहते हैं हमने मॉडलिंग करनी। उनको ये नहीं समझ आती मॉडलिंग और एक्टिंग में फ़र्क क्या है। जब आप उनसे थोड़ी सी बात करते हैं तो समझ ही आती है कि ये एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि एक्टर क्या करता है, मॉडल क्या करता है। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि एक्टिंग और मॉडलिंग के अंदर फ़र्क क्या होता है। जो मॉडल होता है बेसिकली उसका ताल्लुक फैशन डिज़ाइनिंग और पिक्चर फोटोशूट्स जो होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी कमर्शियल, और वो एग्जीबिशंस में जाते हैं, कैटवॉक्स में जाते हैं, उनको डिज़ाइनर्स अपने कपड़े पहनाते हैं, वो रैंप के ऊपर वॉक करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। एक तो मॉडल्स ये काम करते हैं। अब चूंकि हर डिज़ाइनर ये चाहता है कि जो उसका डिज़ाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले, जब स्टेज पर वो बंदा या बंदी पहन के आए तो उसके डिज़ाइन को लोग देखें, इसलिए मॉडल्स की ये प्रैक्टिस होती है कि वो अपना फेस ब्लैंक रखते हैं, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। आप जितने भी रैंप पे वॉक करने वाले मॉडल्स को देखेंगे, अभी आप देखना यूट्यूब पे जाके चेक कर लें, वो सब के सब जो है वो ब्लैंक फेस के साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं देते, ना वो स्माइल देते हैं, ना वो वैसे करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं, ये थोड़ा सा एटीट्यूड रखते हैं, वॉक करते हैं, इसलिए कि अपनी तरफ तवज्जो नहीं दिलवाना चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनके कपड़ों को देखें। मॉडल्स एक तो ये काम करते हैं, दूसरा मॉडल्स ये करते हैं कि आपने लॉन जो है वो लॉन्च की है,
तो आपको दो तीन लड़कियां चाहिए होंगी, दो तीन लड़के चाहिए होंगे। अगर आप जेंट्स भी कर रहे हैं, जेंट्स कपड़ों का भी काम कर रहे हैं, तो वो आप उनको कपड़े बनाएंगे, उनकी तस्वीरें खींचेंगे और वो आप छापेंगे, प्रिंट करेंगे, अखबार को देंगे, मीडिया को देंगे, सोशल मीडिया पर चलाएंगे, बोर्ड्स लगाएंगे, तो वो मॉडल्स आएंगे, वो तस्वीरें खिंचवाएंगे, ठीक है। कपड़े पहन के आप कभी ऐसे कर लेंगे, कभी ऐसे कर लेंगे, वो आप सबको आता करना, वो मैंने देखा हम लोग भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। या उनको टीवी कमर्शियल्स मिलते हैं, ठीक है, आके ये कहना कि जी हाँ मैं ये वाली चीज़ ये यूज़ करता हूँ, मैं ये रिमोट इस्तेमाल करता हूँ, आप भी कीजिए, तो ये करना होता, उसमें कोई बहुत एक्टिंग नहीं करनी होती। जब हम आते हैं ना एक्टर की तरफ, एक्टर जो होता है ना वो स्टोरी टेलर होता है, वो कहानी सुनाता है, वो कहानी का किरदार होता है। एक्टर जो है ना उसका काम एक्टिंग से है, वो एक्ट करता है, ठीक है, वो किसी कहानी का किरदार होता है और उसको एक्टिंग करनी होती है, उसको एक्सप्रेशंस देने होते हैं, उसको ड्रामा कैरी करना होता है अपनी आवाज़ के जरिए, आंखें, फेस के मसल्स, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ उसने ड्रामा कैरी करना है, ठीक है। उसने वो ब्लैंक फेस के साथ होगा तो वो बुरा एक्टर होगा। इसलिए जब मॉडल्स एक्टिंग करने के लिए आते हैं, जब मॉडल्स को आप कास्ट कर लें ड्रामे में, उनसे एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी ट्रेनिंग ही होती है कि एक्टिंग नहीं करनी, बिल्कुल प्लेन फेस रखना है, उनकी ट्रेनिंग ही होती है। तो इसलिए मॉडलिंग अलग है, एक्टिंग अलग है। तो जैसे पाकिस्तान में लॉन्ग के डिज़ाइन बड़े चलते हैं, गर्मियाँ आने से बहुत पहले शूट्स शुरू हो जाती हैं, अब वो नॉन लोगों को भी लेते हैं, अननोन लोगों को भी ले लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ट्रेंड हो, कोई खातून, कोई फीमेल मॉडल, उसको भी ले लेते हैं। तो वो एक दिन में आती है और वो 10 जोड़े पहन के तस्वीरें खिंचवाती है, 10 कपड़े एक पहने, चेंज किए, फिर पहने, चेंज किए। अच्छा, उनको 500 रुपया मिलता है एक जोड़ा पहनने का, 500 से शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 500 मिलता है, ऐसे भी हैं जो 500,000 भी लेती हैं, जो मशहूर हैं एक कपड़े पहन के पिक्चर खिंचवाने के, तो इस तरह भी है। लेकिन आम तौर पे जो बिगिनर्स होते हैं उनको 500 रुपया मिलता है, 1,000 रुपया मिलता है, एक सूट पहन के तस्वीरें खिंचवाई, अगला सूट पहना, तो 5 सूट पहन के अपनी तस्वीरें खिंचवाई तो 5,000 रुपया मिल गया। वो भी तब अगर आपको पोजिंग आती है, खड़े कैसे होना है, स्माइल कैसे देनी है, कैमरे के सामने ये डिज़ाइन दिखाना कैसे है, तो ये सर ये है। या रैंप पे वॉक करते हैं, 10-15,000 रुपये मिलता है आमतौर पे, जो होते हैं जो अच्छे, मैं बात कर रहा हूँ जो फील्ड में 2 नंबर लोग हैं, जो फील्ड में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो पैसे लेके कहते हैं हम आपको मॉडल बना देंगे, उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं, ना कहीं छपती हैं वो तस्वीरें, आप ही लेके फिरते रहते हैं अपने मोबाइल में, लोगों को दिखाते हैं कि मैंने खिंचवा ली, अपने लैपटॉप पर लगा के देखते हैं कि अच्छा ये मैंने काम किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोग ऐसे हो कहेंगे हम आपको मॉडल बना देते हैं, हम आपको एक्टर बना देते हैं, तो आप पैसे दे दो, आप इतने पैसे दे दो हम आपको मॉडल बना देंगे, आप इतने पैसे 10,000 रुपये दे दो, 15,000 रुपये दे दो, आपका शूट कर देते हैं, आपको रैंप पे वॉक करवा देते हैं, आप फैशन शो में चले जाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फैशन शो पे आप चले जाएंगे, आप चल के इधर गए, चल के उधर गए, उसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कभी कोई मशहूर नहीं हुआ, ठीक है ना, उससे कोई ज़्यादा बहुत पैसे मिलते हैं। पैसे मॉडल्स को मिलते हैं कमर्शियल्स के अंदर। अब कमर्शियल में 2 तरह के लोग होते हैं, मॉडल्स भी होते हैं जो सिर्फ कमर्शियल्स करते हैं, और एक्टर्स भी होते हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, वैसे उनका कोई ड्रामा हिट हुआ है, जैसे मैंने ऐड बनाया था फायदा ब्यूटी क्रीम का, तो मैंने मेरे पास तुम हो उस वक्त बहुत हिट था, तो क्लाइंट ने हमें कहा कि आप आयजा खान को ले लें, तो हमने आयजा खान को ले लिया। अब वो एक्ट्रेस है, लेकिन वो उसने हमारे उसमें कमर्शियल में मॉडलिंग की है, एक्टिंग की है रादर, यही कहना चाहिए। तो एक्टिंग और मॉडलिंग में ये फ़र्क होता है। एक्टर्स जो हैं वो फिल्म में काम करते हैं, ड्रामों में काम करते हैं, शॉर्ट फिल्म्स में काम करते हैं, म्यूज़िक वीडियोस में करते हैं, थिएटर पे करते हैं, रेडियो पे करते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनका काम होता है एक्टिंग करना, स्टोरी का पार्ट बनना, एक्ट करके दिखाना, अपने फ़न का इजहार करना। मॉडल्स क्या करते हैं, रैंप पे वॉक करते हैं, मॉडल टीवी कमर्शियल्स में आते हैं, थोड़ा बहुत मॉडल्स तस्वीरें खिंचवाते हैं लोगों के कपड़े पहन के, इस बात के उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। मॉडल्स एक्टिंग नहीं करते, वो बिल्कुल ब्लैंक फेस, स्ट्रेट फेस रखते हैं, एक्टर जो है वो एक्ट करता है। तो ये तो होगी 2 अलग अलग चीज़ें। और मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बोलता रहता हूँ, अभी भी मैंने बोली बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और गेटअप क्या होता है, मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताता हूँ आज की इस वीडियो में। गेटअप जो होता है ना, वो होता है आपका हुलिया, आपकी ज़ाहरी शक्लो सूरत। आपने कोई किरदार बनना है, मिसाल के तौर पे आप बन रहे हैं उसमें दूध वाला बन रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, दूध वाला आपने बनना है, तो मूछें रखी हुई हैं, ठीक है, आपकी मूछें होंगी, सर पे कपड़ा बांधा होगा, शलवार नहीं पहनी होगी, गले में भी ऐसे कपड़ा बटन यहाँ तक जरा खुले हुए, ठीक है। तो ये है आपका हुलिया, इसको गेटअप बोलते हैं,
आपने दूध वाले का गेटअप किया, सर पे कपड़ा बांधा, मूछें लगाई या मूछें बड़ी आपकी रखी हुई। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है? अगर आप वो सीन शुरू होता है और आप कपड़ा बांध रहे हैं सर पे, ये बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप मूछों को ताव दे रहे हैं, ऐसे बल दे रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज है। अब ये मूछें जो है, पहले गेटअप था, हुलिया था, जब आपने इनके साथ बिहेव किया है तो ये बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। अब ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है मूछें। मैं दोबारा बताता हूँ, जो आपकी ज़ाहरी शक्ल सूरत है किसी किरदार की, वो उसका गेटअप है। अगर वो डॉक्टर बना है, उसने वाइट ओवरऑल पहना हुआ है, यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, तो ये उसका हुलिया है, ये उसका गेटअप है। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है कि वो उतारेगा स्टेथोस्कोप, मरीज को लगाएगा, उसकी दिल की धड़कन चेक कर रहा है, ठीक है, कोट ठीक करता है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये उसका बिहेव है, ये उसका रवैया है, ठीक है। तो रवैया और हुलिया फर्क होता है। हुलिया, उसमें रवैया नहीं नज़र आ रहा होता। किसी बंदे के लंबे बाल है, ठीक है, आपने दिखाना है कि म्यूजिशियन है, सिंगर है, लंबे बाल रखे हुए हैं, ये उसका हुलिया है। अगर वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है, बाल ऐसे सही सही करता रहता है, ऐसे ऐसे देखता रहता है, बाल है अभी भी ये बाल ही, अब ये बॉडी लैंग्वेज है, समझ रहे हैं आप। अब ये उसका बिहेव है, वो उस कैरेक्टर के साथ बिहेव कैसे कर रहा है, उस कैरेक्टर के साथ रवैया क्या जाहिर कर रहा है। तो ये करना, ये बॉडी लैंग्वेज है। और सिर्फ जब लंबे बाल आप दिखाते हैं, ये उसका गेटअप है, ये उसका हुलिया है। तो आज हमने बात की, इम्पॉर्टेंट बातें हैं दोनों, मॉडलिंग और एक्टिंग में क्या फ़र्क है, और उसके बाद गेटअप और बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। इन चीज़ों को गौर से देखा करें, गौर से समझा करें। यही लफ्ज़ आप सुनेंगे जब आप फील्ड में आके काम कर रहे होंगे, तो यही लफ्ज़ आप सुन रहे होंगे, यही बातें हो रही होंगी। तो साथ मैंने आपको उसका भी बता दिया, मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, मैं फिर करता हूँ, क्योंकि आप वीडियो देखने के बावजूद आप सवाल करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कम्युनिकेट नहीं ठीक कर पा रहा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, या मैं बात को मुश्किल कर रहा हूँ, या आप गौर से देख नहीं पा रहे, मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि इतनी आसान बात समझ नहीं आ रही। 20 तारीख को ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल होंगे, फिल करके उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, अभी वो भी हम डाल देंगे कि आपकी वैक्सीनेशन हुई हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, कहाँ आप रहते हैं और कितनी आपकी एजुकेशन है, कितनी हाइट है, क्या आप करना चाहते हैं, किस तरह के रोल्स आपको पसंद है, बेसिक सी कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसके ऊपर, वो फिल करके उसके ऊपर फ़ोटो लगा के अपनी, और वो आपने सेंड कर देनी, वो आप फ़ोटो लगने का लिंक होगा उसके ऊपर, तो वो आपने करके आपने सेंड करेंगे, वो ईमेल की तरह मुझे मिल जाएगा। जब हमारे पास कुछ फॉर्म्स जमा हो जाएंगे और जब हम देखेंगे कि हम एक क्लास के लिए रेडी हो गए हैं, जिसमें कि 20 से 25 दिन लगेंगे, और ये उतना ही टाइम है कि आप वैक्सीन लगवा लें। याद रखें, सिर्फ वो आदमी उसमें हिस्सा ले सकता है जो जिसको वैक्सीन लगी हुई है, दोनों डोज जिसको लगी हुई, क्योंकि हमने लोगों की सेहत खतरे में नहीं डालनी। और अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे कि जो लोग ऑनलाइन जिनकी पढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं उन पर ध्यान दें, पढ़ाई कंप्लीट करें, पढ़ाई कंप्लीट करना, एजुकेशन मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है, उसको छोड़ के एक्टिंग क्या किसी भी काम की तरफ मत जाएं, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, और अपने पेरेंट्स की रजामंदी के साथ ये सारी जो भी फील्ड आप जाना चाहें उसमें आप जाएं, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती दिए रखे, आपके सरों पर सलामत रखे। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।